अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब करने वाले एक ऑफिसर की, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती है, जिससे उसको इंटीमेट होना पड़ेगा अगर लैंग्वेज सीखनी हो तो। पर बात सच में बिगड़ जाती है, क्योंकि उसे उससे सच में प्यार होने लग जाता है। यही कहानी है। ये एक मूवी है, द स्लीपिंग डिक्शनरी, जो 2003 को रिलीज हुई थी। आज हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें 1936 का समय बताया जाता है, जिसमें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो वो आपको रिमोट एरिया में भेज देते थे, क्योंकि इंग्लैंड पर कई देशों का उस समय राज चलता था, और वापस आने के बाद वो जॉब दे देते थे। हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम जॉन होता है, वो सेवा जैसी कंट्री में अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आ जाता है। यहाँ के लोग उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते, और उसका वेलकम करने के लिए उसकी लैंग्वेज समझने वाले को वहाँ पर भेजा जाता है, जो उसे वेलकम करता है, और वो उसे ऑफिसर से मिलाता है जो उसके जॉब प्रोफाइल देखेंगे। उसका नाम होता है हेनरी। हेनरी उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस थे, फिर भी तुम यहीं क्यों आए? वो कहता है कि मेरे पापा इन लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका विजन कंप्लीट करने आया हूँ। इस पर हेनरी उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अजीब है, वो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। फिर वो ऑफिसर जॉन को उनके लोकल ट्राइब के हेड से मिलाने जाता है। वो हेड उस जॉन से कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी बातें माननी पड़ेगी। उसके बाद जॉन का वेलकम वो लोग करते हैं। वो उसे ड्रिंक देते हैं पीने के लिए, जिसे वो मना कर देता है, पर अगर वो उसने नहीं पी तो वो उनका डिसरिस्पेक्ट होगा, इसलिए वो पी लेता है। वो ड्रिंक एक खूबसूरत सी लड़की लेकर आती है, जिसे देखकर जॉन को बहुत अच्छा लगता है। जॉन को वो लोग कुछ परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। उस पर जॉन अपनी बोरिंग सी पोएट्री उन्हें सुनाता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ही बोर हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम नाच के दिखाओ। जॉन, जो लड़का उसे वेलकम करने आता है, उसी के साथ नाचता है और बहुत ही भद्दा सा डांस करता है, जिसे याद करके अगली सुबह जॉन बहुत ही निराश हो जाता है। अगले दिन हेनरी जॉन के लिए एक लड़की लाता है, जो उसे पार्टी में ड्रिंक देती है। वही लड़की होती है वो, उसका नाम सलीमा होता है। वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे वाइफ की तरह रहेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें लोकल लैंग्वेज सीखने में मदद करेगी। तुम्हें इसके साथ इंटीमेट होना होगा, यही बेस्ट वे है लैंग्वेज सीखने का। जॉन को ये सब कुछ अजीब लगता है, वो इंटीमेट होने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ये अजीब लग रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर हेनरी गुस्सा होता है, और सलीमा को भी बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हेनरी बहुत ही जॉन को फोर्स करता है, फिर जॉन मान जाता है, पर वो कहता है कि मैं इससे इंटीमेट नहीं होऊंगा। हेनरी जॉन से कहता है कि सलीमा को किसी ने फोर्स नहीं किया है, ये उसका प्रोफेशन है, जिसका नाम स्लीपिंग डिक्शनरी होता है, और यह एक ट्रेडिशन है इनके ट्राइब का, जिसे तुम्हें मानना ही होगा। उसके बाद अगले दिन जॉन का कुक उसके नेफ्यू को उसके पास लेके आता है, क्योंकि जॉन कहता है कि मैं इस लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। उसे लगता है, उसके कुक को लगता है कि जॉन गे है, तो वो उसके नेफ्यू को लेके आता है और वो कहता है कि तुम इसके साथ इंटीमेट हो सकते हो। यह बात सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में उस कुक को फायर कर देता है, और सलीमा को भी फायर कर देता है। सब वहाँ से चले जाते हैं। जॉन का कुक जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा चली गई तो सब लोग उसे अगली कहेंगे, जो कि सलीमा भी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो जॉन भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि हमारे कंट्री में ये सब नहीं होता, मैं ऐसे किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकता। उसके बाद वो लैंग्वेज सीखने का ट्राई करता है, और सलीमा भी मान जाती है। अगले दिन जॉन हेनरी से मिलने उसके घर गया। वहाँ वो उसकी वाइफ से मिलता है, जिसका नाम एजी होता है, और वो उससे कहती है कि कैसी है तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी। सलीमा के प्रोफेशन को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है, और वो उससे अच्छी तरीके से वाकिफ थी, तो वो बात उसके लिए कुछ नई नहीं थी। उसके बाद जॉन और सलीमा एक ही रूम में सोते हैं, अलग अलग बेड पर। सलीमा जॉन से पूछती है कि तुम अगर किसी से इंटीमेट नहीं होंगे तो शादी के बाद तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे होगा। वो कहता है कि मैं क्लासेस कर लूंगा। उसके बाद जॉन सलीमा से कहता है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया। सलीमा कहती है कि मुझे तुम सबसे अलग लगे, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया। अगले दिन जॉन
वहाँ के लोकल लोगों को पढ़ाने के लिए जाता है। वहाँ पर बेलम शाह भी आता है, पर उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहता है बेलम शाह से कि मैंने सुना है कि तुम पानी के नीचे बहुत देर तक रह सकते हो, तो क्यों ना कंपटीशन हो जाए। बेलम शाह इस बात को सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। बहुत देर हो जाती है के बाद बेलम शाह ऊपर आता है, फिर भी जॉन ऊपर नहीं आता। उसके बाद जॉन ऊपर आता है, यानी कि वो कंपटीशन जीत जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि सब लोगों को पता है कि बेलम शाह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसको हरा दिया मतलब वो लोग जॉन की बात अब मानने लगे थे। जॉन असल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है पानी के अंदर, इसलिए इतने वक्त तक वो वहाँ पे रह सकता है। इस बारे में उन लोगों को पता नहीं था। उसके बाद रात को सलीमा और जॉन एक चिल्ड्रन की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें सलीमा एक लोरी गा रही थी और वो लोरी जॉन के पिता उसके लिए गाते थे। और सलीमा उसे कहती है कि जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पापा भी मुझे यही लोरी गाकर सुनाते थे। उसके बाद दोनों लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते बॉडी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करते करते दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद जॉन को उसकी आदत हो जाती है, वो हर दिन इंटीमेट होने लग जाते हैं। एक दिन इंटीमेट होने के बाद जब सलीमा उसके बेड से सलीमा जा रही होती है तब जॉन उसे रोक लेता है, कहता है यहीं पर सो जाओ। उस पर सलीमा कहती है कि ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, अगर हम दोनों साथ में उठे तो हमारी एंगेजमेंट हो सकती है और तुम मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं चाहोगे, ऐसा कहकर वो चली जाती है। अगले दिन जॉन हेनरी के घर खाना खाने के लिए आया हुआ होता है, जहां उसकी बेटी सीसीएल, जिसका नाम सीसीएल होता है, वो भी अपना एजुकेशन कंप्लीट करके घर पर आ चुकी होती है। वो यहां के ट्राइब के अजीबो गरीब ट्रेडिशन के बारे में बातें करती है और उन पर रिसर्च करने आती है। वो कहती है यहाँ पर स्लीपिंग डिक्शनरी नाम की अजीबो गरीब ट्रेडिशन चलती है, जहाँ एक लड़की को लैंग्वेज सिखाने के लिए इंटीमेट होने के लिए दे दिया जाता है, जो कि अभी भी चल रही थी। वो कहती है कि ऐसे ही किसी दो अनजान लोगों में फीलिंग्स आना इम्पॉसिबल है। उस पर जॉन कहता है कि नहीं, ये संभव हो सकता है, क्योंकि जॉन के मन में सलीमा के बारे में ऐसा कुछ हो रहा था। और उस पर हेनरी कहता है कि ऐसा संभव ना हो वही अच्छा है। उसके बाद जॉन घर पर आकर सलीमा को हग कर लेता है। अगले दिन जॉन सीसीएल के साथ पूरा लोकल ट्राइब घूमने निकलता है। सीसीएल को वो रिसर्च के तौर पर अलग अलग जगह दिखाता है। सीसीएल कई जगह पर फोटोज भी निकालती है, वहाँ सलीमा भी होती है। वो देखती है, उसे पसंद नहीं आता। वो कहती है जॉन से कि उसे बोलो कि फोटो मत निकाले, पर जॉन उसे मना नहीं कर पाता। तभी वहाँ एक किनारे पर एक लोकल ट्राइब के पीपल्स वहाँ पर फ्लोट करके आते हैं और वहाँ एक डेड बॉडी लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ एक भयंकर बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। उसके बाद जॉन के पास एजी आती है। एजी कहती है कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है और तुम दोनों साथ में खुश रहोगे, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। यह बात सुनकर जॉन को बहुत ही अजीब लगता है, वो कुछ रिस्पांस नहीं कर पाता। उसके बाद वो सलीमा से आकर पूछता है कि क्या मेरे पहले भी बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पर आ चुके हैं जिनके साथ तुम इंटीमेट हो चुकी हो। उस पर सलीमा कहती है हाँ, वो गुस्से में थी क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। जॉन कहता है कि हमारी रिलेशनशिप कुछ अलग नहीं है। उस पर सलीमा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ इंटीमेट हुई हूँ। जॉन समझ जाता है कि सलीमा मुझ पर गुस्सा है। अगले दिन जॉन भयंकर बीमारी के रिसर्च के लिए निकल पड़ता है, जहां उसके साथ बेलम शाह और सलीमा भी होती है। यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में, इसके पीछे का रीजन जॉन समझ नहीं पा रहा था। तभी उस पर एक आदमी आकर हमला करता है, जो कि बेलम शाह ने उसे पहले ही देख लिया था। वो जॉन को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं और सिल्वर की माइनिंग हो रही है। यही लोग हैं जो आदिवासी लोगों को राइस खाने के लिए देते हैं, जो कि स्लो पॉइजन होता है। वो राइस हमेशा खाने की वजह से वो लोग मर रहे थे, जो कि वो राइस सलीमा ने भी खाया था, तो सलीमा भी बीमार पड़ चुकी थी। इन लोगों के बारे में अगर उन लोकल ट्राइब को पता चल जाता तो सब लोगों की जान जा सकती थी। इस बात को बताने के लिए बेलम शाह जॉन से पूछता है कि क्या मैं इन लोगों को सच बता दूं? तो जॉन कहता है कि हाँ, तुम इन पर अटैक कर सकते हो। उसके बाद बेलम शाह उन पर अटैक कर देता है। तभी सलीमा को जॉन मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछता है। सलीमा जॉन से कहती है कि ये बहुत हार्ड होगा। उस पर जॉन कहता है कि लोग हमारी फीलिंग्स को समझ लेंगे। उस पर खुश होकर दोनों किस कर लेते हैं।
अगले दिन जॉन हेनरी से मिलने जाता है और वो सलीमा के बारे में उसे बताता है। हेनरी जॉन से कहता है कि ये कंट्री का डिसरिस्पेक्ट होगा, ऐसा तुम नहीं कर सकते। उस पर जॉन कहता है कि मैं सलीमा को छोड़ नहीं सकता। वहाँ पर एजी आ जाती है, वो कहती है जॉन से कि ये सिर्फ तुम्हारा पास्ट है, इसे भूल जाओ। उसके बाद हेनरी कहता है अगर तुम इंग्लैंड जाओ, शादी करो और फिर एक साल बाद यहाँ पर आओ तो फिर यहाँ आ सकते हो, अदरवाइज मैं तुम्हें माइनर्स पर अटैक करने के बारे में तुम्हें जेल करा सकता हूँ। वही पैरेलल में सलीमा को वहाँ के लोकल ट्राइब्स के लोगों ने बता दिया था कि ऐसा हो नहीं सकता और वो उसे जेल में डाल देते हैं। जॉन सलीमा को मिलने जेल में आता है और वो दोनों को, वहाँ के लोकल ट्राइब और हेनरी, वो दोनों कहते हैं कि तुम दोनों को लास्ट वार्निंग है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपना रिलेशनशिप तोड़ दो, नहीं तो दोनों को जेल करवा दी जाएगी। सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए सलीमा कहती है कि मैं तुमसे फिर नहीं मिलूंगी। उसके बाद जॉन की शादी हो जाती है एक साल में और उसकी शादी सीसीएल से होती है। जॉन को आज भी सलीमा की याद आती है। उनकी फर्स्ट नाइट पे सीसीएल जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई स्लीपिंग डिक्शनरी थी। उस पर जॉन कहता है हाँ, सीसीएल को ये नॉर्मल लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वो एक साल बाद वापस आ जाते हैं उसी गांव में जहाँ जॉन अब उन लोकल ट्राइब लोगों को पढ़ाने वाला था। जॉन गांव में आते ही वहाँ के ऑफिसर नेविल से मिलता है, वो अपनी वाइफ को भी लेकर आता है। उस रात उन लोकल लोगों को वहाँ पर एक्चर दिखाई जा रही थी, पर जॉन वहाँ सलीमा को ही ढूंढ रहा होता है। यह बात सीसीएल नोटिस करती है, वो उस रात जॉन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर हो न पाई, जो कि सीसीएल को भी सलीमा और जॉन के बारे में पता था। सीसीएल जॉन से अश्योर करती है कि मैं चाहती हूँ बस तुम मेरे साथ खुश रहो, और जॉन भी श्योर करता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगले दिन जॉन अपने पुराने घर को देखने आ जाता है, वहाँ नेविल नाम का जो ऑफिसर मिलने आया था जॉन को, वो रहता है उसके स्लीपिंग डिक्शनरी के साथ। वो स्लीपिंग डिक्शनरी को देखता है और चौंक जाता है क्योंकि उसने उसे बहुत मारा होता है। ये सब देख जॉन को बहुत गुस्सा आता है, वो नेविल के पास आता है और कहता है कि तुमने अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं रात को तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट दूंगा। जब से जॉन और सीसीएल यहाँ पर आए थे, एजी को उन पर डाउट हो रहा था कि उन दोनों में कुछ तो भी अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए वो बातें करने वहाँ पर आ जाती है। उनकी बातें सुनकर जॉन सीधे सीसीएल को जाकर किस कर देता है और एजी से वहाँ से जाने के लिए कहता है। एक दिन जॉन रिवर के किनारे हाथ धो रहा था, तभी वह वो सलीमा और उसके बेटे को देखता है। उसके बेटे को वो देखता है, वो बहुत ही ज्यादा फेयर होता है। जॉन को पता चल जाता है कि वो उसका बेटा है। जॉन अपने शेफ से कहता है कि मेरी सलीमा के साथ एक मीटिंग अरेंज करो। उस पर शेफ कहता है कि मैंने ऑलरेडी उससे पूछा है पर वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। फिर भी वो सलीमा को झूठ बोलकर कहीं तो भी बुला लेते हैं। वहाँ पर जॉन सलीमा से मिलता है और कहता है कि वो मेरा बेटा है। उस पर सलीमा कहती है कि अगर हमें किसी ने लिया तो हमें मार डालेंगे। जॉन सलीमा से उसके बेटे को मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उसके बेटे को देखता है और उसे वही लोरी सुनाता है जो उसके पापा उसे सुनाया करते थे। उसके बाद अगले सुबह जॉन अपने बेटे के लिए टॉय बना रहा होता है। वो एजी आके देख लेती है और वो एजी को बता देता है कि वो सलीमा का और मेरा बेटा है। उस पर एजी कहती है कि मुझे पता है, मेरे हस्बैंड की भी कोई स्लीपिंग डिक्शनरी हुआ करती थी, इसलिए मैं उसके साथ 30 साल तक रही। मुझे डर था कि वो उसके लिए मुझे छोड़ ना दे, और मुझे ये भी डर है कि मेरी बेटी को तुम छोड़ ना दो, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम सलीमा से दूर ही रहो। पर अब जॉन इनकी बातों को इतना बढ़ावा नहीं देता, वो अपने बेटे और सलीमा के साथ टाइम स्पेंड करने चला जाता है। वो डेली टाइम स्पेंड करते हैं। ये बात बेलम साय को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जॉन पर अटैक करने की कोशिश करता है। एक दिन वो रात को जॉन के कमरे में जाकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी जॉन देख लेता है और बच जाता है। हेनरी जॉन से कहता है कि अब हमें बेलम साय को मारना पड़ेगा, तुमने सलीमा को जाने देना चाहिए था। जॉन उस पर कहता है कि अगर तुम्हारी दूसरी बेटी होती तो ऐसे जाने देते। उस पर हेनरी गुस्सा होकर कहता है कि हाँ, सलीमा की तरफ वो देखकर कहता है कि जाने देता, यानी कि सलीमा उसकी बेटी है, उसने उसकी बीवी की वजह से अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी के बेटी को अपनाया नहीं था। अब अगले दिन नेविल की फोर्स बेलम साय को पकड़ के लाती है और उसे डेथ की सजा सुनाती है। जॉन भी उस पर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि बेलम साय ने उसकी जान बचाई थी एक समय पर, इसलिए वो रात को जाकर बेलम साय को छुड़ाता है। वहाँ सलीमा भी होती है और वो सलीमा से कहता है कि अगर हमें खुशी खुशी रहना है तो यहाँ से भागना होगा, और वो भागने की डेट फिक्स करते हैं। इस बात को सुनकर हेनरी बहुत गुस्सा हो जाता है और जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेविल की स्लीपिंग डिक्शनरी बनने को कहती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसे जेल में डाल देती।
अब ये दोनों आज रात को भागने वाले थे। उसी शाम सीसीएल जॉन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट। जॉन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसी के पैरेलल में सलीमा नेवल के पास आ जाती है। वो उससे बदतमीजी करने ही लगता है, तभी सलीमा उसे बहुत मारती है और वो उस शेफ के और शेफ की मदद से सलीमा नेवल को मार डालती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसे मार देता और भागने नहीं देता। इसी के पैरेलल में जॉन एक लेटर लिख रहा होता है कि वो सीसीएल की वजह से नहीं भाग पाएगा। यह बात सीसीएल को पता चल जाती है। वो लेटर पढ़ लेती है और जॉन से बात करती है। वो कहती है कि इसी वजह से मेरी मदर मेरे फादर के साथ 20 साल तक रही, फिर भी वो दोनों अच्छे से खुशी खुशी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाए और मैं नहीं चाहती कि मेरी भी ऐसी ही लाइफ हो जाए। सलीमा तुम्हारी हमेशा से फर्स्ट लव थी तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए, और वो भी होपफुल थी कि उसे भी कोई अच्छा मिल ही जाएगा, इसलिए वो जॉन को जाने देती है। जॉन इन चक्कर में लेट हो जाता है और वो वहाँ लेट पहुँचता है, पर शेफ जॉन के लिए सलीमा पर नजर रख रहा होता है। सलीमा को लगता है कि जॉन नहीं आएगा, पर वो वहीं पर रुक जाती है। अब नेवल को मारने के चक्कर में हेनरी सलीमा को पकड़ लेता है और वो उसे गन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा, और उसे गले लगा लेता है और उसे जाने देता है। एजी नेवल से बहुत गुस्सा होती है। हम यहाँ देख पाते हैं कि नेवल जिंदा होता है, उसे सिर्फ चोट आती है। एजी नेवल से कहती है कि उन लोगों को ढूंढो और मार डालो। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सलीमा वहीं पर रुकी हुई होती है और जॉन भी उसे बहुत टाइम तक ढूंढते रहता है और आखिर में ढूंढ ही लेता है। वहाँ नेवल भी पहुंच जाता है और वो जॉन को हथकड़ी लगा देता है और सलीमा को भी हथकड़ी लगा देता है। सलीमा के साथ वो जबरदस्ती करता है। तभी वहाँ आदिवासी आते हैं और वो नेवल पर अटैक करते हैं। उसके बाद वो अपना बच्चा लेकर जंगलों में चले जाते हैं। वो आदिवासियों के बीच रहने लगते हैं। सलीमा जॉन से कहती है कि अब सोच लो, तुम यहाँ एक बार आ गए तो जा नहीं सकते वापस। उस पर जॉन कहता है कि मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे अपने फैमिली के साथ हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो खुशी खुशी लाइफ स्पेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।